देशभर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोरोना काल में ईद के त्यौहार को लोग अपने घरों में रहकर मना रहे हैं। इस अवसर पर जनपद संबल की चंदौसी में रहने वाले कुछ मुस्लिम युवकों ने ईद के अवसर पर गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लाने वाले की सेवा करने की मिसाल पेश की है। आपको बता दें, संबल के चंदौसी में मुस्लिम युवकों ने ईद पर मिली अपनी ईदी के पैसों से कुछ यादगार बनाने की सोची, साथ ही अनोखी पहल शुरू की। आज़ाद रोड पर स्थित गुरुद्वारे पर ऑक्सीजन लेने और ले जाने वाले लोगों की सेवा करने की उन्होंने सोची और अपनी बात को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बताई, जिसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इन युवकों को सेवा करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद यह युवक यहां पर सेवा करने में जुट गए। साथ ही इन युवकों ने अपनी ईदी के पैसों से यहां पर ऑक्सीजन लाने ले जाने वालों को फल, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक भी वितरित की। सर, हमारे कुरान में लिखा है कि हर आदमी की मदद करनी चाहिए। जो हमारे बड़े बूढ़े सिखा के गए, बोले हर किसी की मदद करना, किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना, किसी से उल्टा सीधी बात नहीं करना। हमारे दिल में विचार आया, हमारे बड़े भाई ने बताया था, बोले आज जो है यही करना है, ईद के स्पेशल पे आपको यही करना है। सर, ये बहुत ही अच्छा उपराला है और ये मनुख सेवा के लिए है सबसे बड़े, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में और कुरान शरीफ में सब में यही सिखाया जाता है कि मनुखों के लिए सेवा करो, इंसानियत के लिए। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, भाई भी हमारे सेवा रल मिलके कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि ऑक्सीजन जो मिल रही है बहुत ही लाइन, मतलब बहुत सलीके से मिल रही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे मिठाई मिल रही है और उसके साथ साथ जैसे कि आज ईद है तो मिठाई है और कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे लोग दे रहे हैं, और एक अलग ही एटीट्यूड है यहाँ पे, मतलब एक अलग सा एक एनवायरनमेंट बन रहा है जिससे एक पॉजिटिविटी आ रही है अंदर। क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से भाग रहा हूँ, मेरी फूफे की तबीयत साफ थी, कहीं ऑफिस में मिल नहीं पा रहा था, तो किसी ने मुझे कहा कि गुरुद्वारा तो मिलेगा। मैंने नाम सुना गुरुद्वारा, मुझे लगा कि हाँ पक्का मिल जाएगा, और मैं सीधा अपनी गाड़ी लेकर यहाँ के लिए आया और यहाँ पे देखा आसानी से मुझे ऑफिस में मिल गई।